पिछले साल 2022 में अगस्त का महीना था जब सरकार बदली थी। महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार आए थे और इस्तीफा देने के बाद वो सीधे राबड़ी आवास पहुंचे थे। बहुत सारी बातें हुई और उन बातों के बाद ये तय हुआ कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री का। अभी 10 महीने भी नहीं हुए इस सरकार के कि कई झमेलों में सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। उसमें सबसे बड़ा झमेला है लालू परिवार के कई सदस्यों पर आरोप लगना और कई मामलों में उन पर चार्जशीट होना। इन सारी बातों को लेकर के अब बिहार और देश की राजनीति में ये चर्चा होने लगी है कि आखिर इस तरह के लोगों के साथ नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को टक्कर कैसे देंगे। लेकिन इन सब के बाद आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के अनुपस्थिति में उन पर चार्जशीट हुई थी, वो विदेश में थे। बाकी के परिवार के लोग कोई दिल्ली कोई पटना में था और सभी लोगों पर जब चार्जशीट हो गया उसके बाद से पहली बार राबड़ी देवी ने अपना मुंह खोला है। राबड़ी देवी दिल्ली में लालू प्रसाद के साथ थी और कल जब तेजस्वी यादव वापस आए विदेश से और बिहार लौटे पटना लौटे तो साथ में राबड़ी देवी और लालू प्रसाद को भी ले करके आए। अब राबड़ी देवी आज जैसे ही विधानसभा पहुंची उसके बाद क्या कुछ हुआ आप खुद समझ सकते हैं। राबड़ी देवी काफ़ी गुस्से में थी और उनका गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उन्होंने तेजस्वी यादव पर हुए चार्जशीट को लेकर के कम लेकिन बाकी की बातों को लेकर के 2014 से लेकर अब तक एक एक मिनट का इतिहास जोड़वा दिया। इतना ही नहीं उन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी से ही इस्तीफा मांग लिया। 2024 में क्या होगा इसकी बातों को लेकर के पहले ही से राष्ट्रीय जनता दल अपनी बात रख रही है। राष्ट्रीय जनता दल सहित जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन के साथियों का कहना यह है कि 2024 के चुनाव से पहले इतना डर गई है भारतीय जनता पार्टी कि वो विभिन्न तरह की कार्रवाइयां करेगी जिससे कि विपक्ष को तहस नहस या छिन्न भिन्न कर सके। लेकिन राबड़ी देवी ने सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि देश के साथ उन्होंने गद्दारी की है, वादा खिलाफी की है और कई बातें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया है। इतना ही नहीं राबड़ी देवी ने सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए उन्हें देश के टुकड़े करने वाला बताया है। इतना ही नहीं उन्होंने कहा है कि देश की जो संपत्तियां हैं उसे बेच रहे हैं और साथ ही उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है। इसके साथ साथ 2014 में जो वादे किए थे उन वादों को भी उन्होंने नहीं पूरा किया है, इसलिए वादा खिलाफी का भी उन पर इल्जाम लगा है। और इन सारी बातों को लेकर के अगर नैतिकता बची है तो इस्तीफा करें खुद प्रधानमंत्री और किसी दूसरे के हाथ में सत्ता दें। इस बात को लेकर के राबड़ी देवी ने और भी बहुत सारी बातें कही है। उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो कितना गुस्से में हैं। आप खुद तस्वीरों में देखिए, वीडियो देखिए और सुनिए क्या कहा है राबड़ी देवी ने। बार चार्जशीट करना उचित बनता है क्या? उचित बनता है? जबरदस्ती हो रहा है ना हम लोग के साथ। बीजेपी की सरकार है, भारत सरकार ने जबरदस्ती कर रहा है सबको साथ। जो खिलाफ बोलेगा बीजेपी के सरकार को उसको चार्जशीट हो आचार केस मुकदमा सीबीआई ईडी सबके लगाने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी को वही काम है, विकास का तो काम करे नहीं। 15 लाख रुपया गरीब का खाता में नहीं गया, नौकरी 2-2 करोड़ नौकरी देंगे साल में वो भी खत्म हो गया। उन पर घोषणा घोषणा धैल नहीं रह गया, कोई काम कर नहीं। देश का पैसा लूट के अब पार्टी का ऑफिस मॉल बना दिए पूरा देश भर में, पूरा जिला में। कोई जिला ऐसा नहीं है कि पार्टी का मॉल बना है, ताज होटल बना है। दिल्ली में जाके देखिए, सारा देश का पैसा, गरीब का कमाई का पैसा कहाँ से लाए? पूरा देश भर में पार्टी ऑफिस बनाने के लिए कहाँ से आया? पूरा देश को बेच दिए, तोड़ दिए देश को, सारा लूट लिए देश के। आ लूट के पार्टी चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। बिहार में तोड़ना चाहते हैं मन के बात, बिहार में पार्टी मन के बात लोगों के सुनाते हैं। अब विकास नहीं है कहीं, विकास के नाम का कहीं चीज नहीं है, कहीं विकास नहीं है। बारह की भ्रष्टाचारी को जेल भेजेंगे सब भ्रष्टाचारी। सुसा फट जाएगा वैसे करिएगा मैडम। बीजेपी में है और कहीं कोई नहीं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।